जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती। जिंदगी में सबसे आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती। पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। नाम किसको अच्छा नहीं लगता। अगर मैं 100 बंदों से कहूँ कि सुबह 7 बजे उठना है और वे 100 के 100 बंदे मान भी जाएं, तो पता है कल सुबह क्या होगा। 100 में से सिर्फ 80 लोग ही उठ पाएंगे और परसों को सिर्फ 50 जने ही उठ पाएंगे। तीसरे दिन 50 जनों में से सिर्फ 20 लोग ही उठ पाएंगे। चौथे दिन सिर्फ 10 लोग ही उठेंगे और पांचवे दिन सिर्फ 5 लोग ही उठेंगे। छठे दिन सिर्फ 2 लोग उठेंगे। लेकिन उन 100 में से जो आखिरी बंदा है, उस लिस्ट का वो 1% है। वो उस काम को नहीं छोड़ेगा जो टारगेट उसने अपनी लाइफ में फिक्स किया है। चाहे उसका टारगेट IAS बनने का हो, चाहे एक बड़ा डॉक्टर बनने का हो, चाहे साइंटिस्ट बनने का हो, चाहे कुछ भी बनने का हो, वह बंदा उस हार वाली लिस्ट में सबसे लास्ट में रहता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसको दुनिया सबसे लास्ट में सोचती है, वो लास्ट में नहीं होता, बल्कि 1% दुनिया के तजुर्बे वाले लोगों में होता है। और इसी वजह से उसको लाइफ में वो सब कुछ मिल जाता है जो 99% लोगों के पास नहीं होता। जिस टारगेट को पाने के लिए 99% लोग ख्वाब देखा करते हैं, सेम उसी टारगेट को वो 1% लोग हासिल कर लेते हैं जिन्होंने अपने 99% सुखों का त्याग कर दिया। 100% तो कोई भी नहीं होता, पर परफेक्ट बनने का इरादा 100% होना चाहिए। और कुछ लोग तो 1% के भी 1% में होते हैं। लाखों में एक होते हैं, करोड़ों में एक होते हैं, पूरी दुनिया में गिने चुनों में एक होते हैं। लेकिन उनकी शुरुआत उसी लिस्ट से होती है जो मैंने आपको शुरू से बताई है। जिंदगी में सब कुछ छोड़ने की हिम्मत कर लेना मेरे दोस्त, पर हिम्मत छोड़ने की हिम्मत कभी मत करना। चाहे तुम्हारे पास वक्त कम हो, पर अपनी हिम्मत कभी मत टूटने देना। तेरे पास इस साल के 2 महीने बचे हैं। अब फैसला तेरे हाथों में है कि इन 2 महीनों में मेहनत करके तुझे अपनी जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, या तुझे अपनी जिंदगी यूं ही बितानी है।